हेलो गाइस, वेलकम टू यश ऑटो कार्स। ये है टोयोटा की इनोवा क्रिस्टा का GX वेरिएंट। इस वीडियो में इस गाड़ी के बारे में मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ। इसका एक्सटीरियर, इंटीरियर, इसमें कितने फीचर्स मिलते हैं, इस गाड़ी में कैसी स्पेस मिलती है और लास्ट में मैं इस गाड़ी की आपको ऑन रोड प्राइस भी बताऊंगा, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। सबसे पहले इस गाड़ी की लुक्स की बात करते हैं, तो आप इस गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल को देख सकते हो। कुछ ऐसी लुक्स हैं इस गाड़ी की, मैं आपको फ्रंट से दिखाता हूँ। ये गाड़ी कुछ ऐसी लगती है फ्रंट से देखने में। यहाँ पर इस गाड़ी में आपको पियानो ब्लैक फिनिश में फ्रंट ग्रिल मिलती है। यहाँ पर टोयोटा का लोगो मिलता है और इसमें हैलोजन हेडलैम्प्स मिलते हैं और यहाँ पर नीचे इंडिकेटर्स मिलते हैं। इसमें फॉग लैम्प्स नहीं मिलेंगे। ये रहा फ्रंट बम्पर और ये आप देख सकते हो। और अब साइड प्रोफाइल में आपको इस गाड़ी की दिखा देता हूँ, तो 4.7 मीटर से ज़्यादा इस गाड़ी की लेंथ है। इसमें आपको 16 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं। फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स मिलेंगे, सिल्वर अलॉय व्हील्स मिलते हैं इसमें। और ये रहा ORVMs जिसमें आपको इंडिकेटर्स मिल जाते हैं इसमें। और यहाँ पर इसमें बॉडी कलर डोर हैंडल्स मिलते हैं। और ये रहा पीछे का डोर हैंडल। ऐसी कुछ ग्लासेस मिलती हैं इस गाड़ी में आपको, काफ़ी बड़ी सी, ये आप देख सकते हो। और रियर में आपको ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे इसमें। इस गाड़ी में 178 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। और अब चलते हैं रियर प्रोफाइल में, तो ये आप देख सकते हो इस गाड़ी की रियर प्रोफाइल कुछ ऐसी लगती है देखने में रियर से। इनोवा क्रिस्टा GX वेरियंट। यहाँ पर आपको ऐसे टेल लैम्प्स मिलते हैं इसमें हेलोजन। यहाँ पर इनोवा क्रिस्टा की बैजिंग मिल जाती है। यहाँ पर ये ब्लैक पार्ट मिलता है पूरा। यहाँ पर टोयोटा का लोगो मिलता है। ऊपर वाइपर मिलता है, डिफॉगर मिल जाता है इसमें, हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिलेगा और शार्क फिन एंटेना मिलता है इसमें। और ये स्पॉइलर मिल जाता है कुछ ऐसा। तो ये था इस गाड़ी का पूरा एक्सटीरियर। और अब चलते हैं इसके इंटीरियर में। अब इस गाड़ी का डोर ओपन करते हैं, तो इसमें आपको कुछ ऐसा डोर मिलता है अंदर से देखने में, पूरा ऑल ब्लैक फिनिश में। यहाँ पर आपको प्लास्टिक फिनिश मिलती है इसमें। ये ग्रैब हैंडल टाइप का मिल जाता है। डोर ओपनर मिलता है क्रोम में। यहाँ पर पावर विंडो के कंट्रोल्स मिलते हैं। ड्राइवर साइड ऑटो अप एंड डाउन पावर विंडो मिलती है इसमें। ORVM के कंट्रोल्स मिलते हैं। लॉक अनलॉक मिलता है। और यहाँ पर नीचे थोड़ी सी स्पेस मिलती है। यहाँ पर स्पीकर मिलता है इसमें। और ये रहा इस गाड़ी का डैशबोर्ड। यहाँ पर AC वेंट्स मिलते हैं। ऐसी कुछ फिनिश मिलती है, टेक्सचर मिलता है इसमें। और ये आपको इसमें कप होल्डर मिलता है जो कि कुछ अलग तरीके से ओपन होता है। अगर आप इसे ऐसा बाहर निकालेंगे तो ये आपका कप होल्डर निकल आएगा बाहर। और यहाँ पर इसमें आपको इल्यूमिनेशन मिल जाता है जहाँ पर आप अपनी की लगाएंगे। और ऐसा लगता है इस गाड़ी का डैशबोर्ड। हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिलती है इसमें आपको। मैनुअल फैब्रिक सीट्स मिलती हैं। फ्रंट में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएंगे काफ़ी बड़े से। और यहाँ पर इसमें आपको नीचे की तरफ कुछ कंट्रोल्स मिलते हैं पार्किंग सेंसर्स के। और यहाँ पर आपको फ्यूल लिड और बोनट खोलने का लीवर मिल जाता है। और अंदर से देखने में कुछ ऐसा लगता है इस गाड़ी का पूरा डैशबोर्ड, ये आप देख सकते हो। इनोवा क्रिस्टा के GX वेरिएंट का स्टेयरिंग व्हील कुछ ऐसा मिलेगा इसमें। यहाँ पर टोयोटा का लोगो मिल जाता है। एयरबैग्स मिलते हैं इसमें। यहाँ पर वॉल्यूम कंट्रोल्स मिलते हैं। और यहाँ पर सिल्वर फिनिश मिलती है उसमें साइड में, ये आप देख सकते हो। यहाँ पर नीचे फ़ोन कॉल के बटन्स मिलते हैं। यहाँ पर सिल्वर फिनिश मिलती है। और यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं मिलता, ये एक बटन मिल जाता है। यहाँ पर हेडलाइट इंडिकेटर के कंट्रोल्स मिलते हैं। यहाँ पर वाइपर के कंट्रोल्स मिलते हैं। और ये रहा इस गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो कि आपको फुल एनालॉग मिलता है इसमें। और ऐसा डिज़ाइन मिलता है इसमें आपको डैशबोर्ड का, काफ़ी फ्लोइंग सा, ये आप देख सकते हो। यहाँ पर आपको AC वेंट्स मिलते हैं इसमें। और यहाँ पर ये क्लॉक मिलती है इसमें डिजिटल। हज़ार्ड लाइट का बटन मिल जाता है। यहाँ पर ये आपको स्क्रीन मिलती है 7 इंच की, उसके कंट्रोल्स मिल जाते हैं साइड में। यहाँ पर सिल्वर फिनिश मिल जाती है, ये आप देख सकते हो। और ये आपको वही टेक्सचर मिल जाता है इसमें दोनों ही साइड्स पे पूरे डैशबोर्ड में। यहाँ पर मैनुअल AC मिलेगा इसमें, उसके कंट्रोल्स मिलते हैं। और ये आप देख सकते हो यहाँ पर नीचे पैसेंजर एयरबैग्स का ऑप्शन मिल जाता है। इको मोड और पावर मोड मिलता है इसमें।
यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिल जाता है इसमें ऑन ऑफ करने का। यहाँ पर 12V का चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है एक, ये आप देख सकते हो अंदर की तरफ। यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस मिलती है इसमें, और ये 5 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स मिलता है इसमें। इसमें 2 ग्लव बॉक्स मिलते हैं, एक कुछ इस तरीके से ओपन होता है ऊपर वाला जिसके अंदर थोड़ा सा स्पेस मिलता है, और उसके नीचे भी आपको एक इसमें मिल जाता है। आपको यहाँ पर बटन प्रेस करना है और कुछ ऐसा ओपन हो जाएगा ये, तो 2 मिलते हैं आपको ये टोटल इसमें। और एसी वेंट्स मिल जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर इसमें सन वाइज़र में वैनिटी मिरर नहीं मिलेगा, मैनुअल IRVM मिलता है इसमें। यहाँ पर ये सनग्लास होल्डर मिल जाता है, यहाँ पर ये रीडिंग लाइट मिलती है येलो कलर की, और यहाँ पर आपको वैनिटी मिरर मिलता है इसमें। और ये हैंडल्स मिल जाते हैं आपको दोनों ही साइड्स पे, ऐसी कुछ इसमें आपको फैब्रिक सीट्स मिलती हैं, काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स हैं इस गाड़ी की, ये आप देख सकते हो। और बाकी ये सब कुछ फीचर्स मिल जाते हैं इस गाड़ी में आपको। और अब चलते हैं रियर सीट्स में, तो इस गाड़ी का पीछे का डोर ओपन करते हैं अब, तो पीछे भी आपको पूरा ऑल ब्लैक फिनिश मिलती है इसमें डोर में, ये आप देख सकते हो ऐसा कुछ आपको मिल जाता है। ये हैंडल मिलता है, यहाँ पर ये कंट्रोल्स मिलते हैं, डोर ओपनर मिलता है क्रोम में, और पूरा प्लास्टिक मिलता है। यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस मिलती है, स्पीकर मिलता है, और ये रही इस गाड़ी की रियर सीट्स, ये आपको कैप्टन सीट्स मिलती हैं इसमें, इससे आप एडजस्ट कर सकते हो। और अब चलते हैं इस गाड़ी के अंदर, तो यहाँ पर इसमें काफ़ी अच्छा नी रूम मिल जाता है आपको ड्राइवर सीट पूरी पीछे होने के बाद, और सीट पॉकेट्स भी मिलती हैं इसमें। यहाँ पर एक टनल मिल जाता है सेंटर में, और एक 12V का चार्जिंग पोर्ट मिलता है, और ऐसा लगता है इस गाड़ी का डैशबोर्ड। यहाँ पर ऊपर आपको AC वेंट्स मिलते हैं इसमें, यहाँ पर उसके कंट्रोल्स मिलते हैं सेंटर में AC वेंट्स के, ये आप देख सकते हो। और यहाँ पर भी आपको ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं इसमें। और अगर आपको इस गाड़ी की थर्ड रो में जाना है तो आप यहाँ पर सेंटर से जा सकते हो, यहाँ पर ठीक ठाक स्पेस आपको मिल जाता है इसमें। ये सेपरेट आर्मरेस्ट मिलते हैं दोनों ही सीट्स में इसमें, क्योंकि इसे काफ़ी कंफर्टेबल बना देते हैं। और बाकी यहाँ पर भी एक USB पोर्ट मिल जाता है इसमें, और थोड़ा सा स्पेस मिलता है। और बाकी कुछ ऐसी हैं इस गाड़ी की थर्ड रो की सीट्स, और यहाँ पर आपको सेंटर में एक रीडिंग लाइट मिलती है येलो कलर की। और अब चलते हैं इस गाड़ी की थर्ड रो में और देखते हैं कि कैसा स्पेस मिलता है इसमें। तो ये रही इस गाड़ी की थर्ड रो की स्पेस, ये आप देख सकते हो कुछ ऐसा नी रूम मिलता है इसमें, और लेग रूम भी डिसेंट ही है, और काफ़ी अच्छा स्पेस है वैसे इसकी थर्ड रो में। यहाँ पर भी आपको AC वेंट्स मिलते हैं इसमें, बाकी गाड़ियों से जो 7 सीटर्स आती हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा स्पेस है इस गाड़ी की थर्ड रो में। यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा स्पेस मिलता है इसमें, काफ़ी बड़ी ग्लास मिल जाती है, और सीट बेल्ट्स मिलती हैं इसमें, 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। और यहाँ पर भी आपको इसमें थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है, और यहाँ पर आपको ये मिल जाता है इसमें कुछ भी हुक, और काफ़ी बढ़िया स्पेस है इस गाड़ी की थर्ड रो में, 2 जन आराम से बैठ सकते हैं यहाँ पर काफ़ी कंफर्टेबल। इस गाड़ी में आपको थर्ड रो सीट्स ओपन होने के बाद 300 लीटर्स की बूट स्पेस मिल जाती है, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बूट स्पेस है। इस गाड़ी में 2.4 लीटर डीजल इंजन मिलता है, जो कि 147 BHP की पावर और 343 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें आपको 15.6 KMPL का माइलेज क्लेम किया जाता है। इस गाड़ी में 55 लीटर्स का फ्यूल टैंक मिलता है। इस गाड़ी की प्राइस की बात करें तो इनोवा क्रिस्टा के GX वेरियंट की एक्स शोरूम प्राइस है 19.99 लाख, और इस गाड़ी की ऑन रोड प्राइस है 23.97 लाख। तो ये था टोयोटा इनोवा क्रिस्टा के GX वेरिएंट का फुल वॉक अराउंड रिव्यू। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और नीचे यश ऑटो कार्स को सब्सक्राइब कर दो इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए।